Artificial intelligence is not the future, it is the present. हाँ, AI reality बन चुका है और उसकी applications इस हद तक बढ़ गई हैं कि अब दुनिया भर में students से लेके working professionals तक, housewives से लेके CEOs तक, हर कोई AI को अपनी daily life में use कर रहा है. वैसे आप कौन सा AI tool frequently use करते हैं और किस लिए करते हैं? कमेंट्स में बताइए. देखते हैं हमारी ऑडियंस में AI को लेके कितना क्रेज है. 2023 में स्पेशली कई AI टूल्स प्रोमिनेंस में आए हैं, जैसे कि ChatGPT, Google Bard, Microsoft Bing AI, Midjourney और DALL-E 2. ये सभी टूल्स एक तरफ तो हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, मगर दूसरी ओर इन टूल्स के कारण लोगों को अपनी जॉब्स खोने का भी डर है. खैर, ये तो एक डिफरेंट डिबेट है जो मैं किसी और दिन करूँगी. मेरा तो बस यही कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI एक ऐसी रियलिटी है जिसे अब हम नकार नहीं सकते. AI में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वेस्ट हो रहे हैं और ऐसे में जो कंपनीज इस स्पेस में फ्रंट पे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा. अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड GPU चिप्स डिजाइनर एनवीडिया को ही ले लीजिए. कई पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स उनकी हाई परफॉर्मेंस चिप्स द्वारा पावर्ड हैं. और जैसे ही AI बूम की शुरुआत हुई, इन्वेस्टर्स के लिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए सबसे ऑब्वियस ऑप्शन एनवीडिया का स्टॉक था. और रिजल्ट क्या हुआ? 2023 की शुरुआत से एनवीडिया का स्टॉक 200% बढ़ चुका है. यही होता है जब एक इंडस्ट्री या थीम को लेके पूरी दुनिया बुलिश हो जाती है, उस स्पेस में काम करने वाली कंपनीज भी ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ड्रॉ करती हैं. इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे इंडियन स्टॉक्स बताऊंगी जो किसी न किसी तरह से AI डोमेन में वर्क कर रहे हैं. ऑफ कोर्स, इंडियन लिस्टेड स्पेस में प्योर AI प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है जो या तो AI सर्विसेज प्रोवाइड करती हों या फिर खुद अपने प्रोडक्ट्स में AI का एप्लीकेशन करती हों. हमने सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को चुना है जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा है और जिनकी लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 15% से ज्यादा है. जिस कंपनी ने लास्ट 6 मंथ्स में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, उसको हम एंड में कवर करेंगे. 6 मंथ रिटर्न्स और बाकी फाइनेंशियल्स के लिए हमने 26th ऑफ जून 2023 के क्लोजिंग प्राइसेस को कंसिडर किया है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट. टाटा एलेक्सी लिमिटेड. टाटा एलेक्सी एक ER&D कंपनी यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है. कंपनी ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशंस और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में अपनी डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. लास्ट 6 मंथ्स में टाटा एलेक्सी का शेयर प्राइस 16.77% बढ़ चुका है. कंपनी 2 सेगमेंट्स में काम करती है. फर्स्ट हो गया आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज और दूसरा हो गया सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज सेगमेंट को आप फर्दर 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, EPD यानी कि एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन और IDV यानी कि इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन. EPD सेगमेंट में कंपनी डिफरेंट सेक्टर के क्लाइंट्स को टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट और टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है. IDV सेगमेंट के थ्रू कंपनी अपने क्लाइंट्स को कंज्यूमर रिसर्च एंड स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग एंड ग्राफिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन, सर्विस डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन, 3D प्रोटोटाइपिंग और विजुअलाइजेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. टाटा एलेक्सी AI और एनालिटिक्स का यूज करके ड्राइवर के बिहेवियर इंसाइट्स पे काम कर रही है. उनकी टाटा एलेक्सी ड्राइवर इंटेलिजेंस सर्विस एक स्मार्टर, स्केलेबल एंड लाइट वेट सोल्यूशन है जिसके थ्रू वो ये सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं. इनफैक्ट ऑटो सेगमेंट के कई सारे OEMs यानी के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी इसमें काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. इसके अलावा कंपनी ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया इंडस्ट्री को AI बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइड करती है. कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज पिछले 10 साल में 17% से कंपाउंड हुए हैं, जबकि प्रॉफिट्स 32% CAGR से, और TTM बेसिस पे यानी कि पिछले 12 महीनों में तो टाटा एलेक्सी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स 30% और 41% से बढ़े हैं रिस्पेक्टिवली. यही तो ब्यूटी है एक ER&D बिजनेस की. ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रहे EV
रेवोल्यूशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एटसेट्रा के चलते इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्लेयर्स को फायदा हो रहा है। अगेन रिस्क की बात करूं तो वेस्टर्न मार्केट से ही कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है। इनफैक्ट इंडिया से जनरेट होने वाले रेवेन्यूज का कॉन्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ 17% के अराउंड ही है। कंपनी के लिए एक और मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनके टॉप क्लाइंट्स का रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। उनके टॉप 5 और टॉप 10 क्लाइंट्स उनके रेवेन्यूज में 39.5% और 48.1% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर कंपनी अपना कोई भी टॉप क्लाइंट लूज कर देती है तो उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स अफेक्ट हो सकते हैं। अब टाटा एलेक्सी के फाइनेंशियल रेशियोज हम थर्ड स्टॉक के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो कंपनी भी टाटा एलेक्सी की ही तरह ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए हम दोनों के नंबर्स को साथ में ही एनालाइज कर लेंगे। नेक्स्ट कंपनी है Persistent Systems Limited, founded in 1990. Persistent Systems एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर solutions and tech innovation कंपनी है जो अपने clients को उनके operations technologically transform और modernize करने में मदद करती है। पिछले 33 सालों में Persistent Systems ने digital engineering और enterprise modernization के field में अपना brand establish कर लिया है। लास्ट 6 मंथ्स में Persistent Systems का शेयर प्राइस 25.38% बढ़ चुका है। Persistent Systems के पास उनके खुद के प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर और फ्रेमवर्क्स हैं, जिसके थ्रू क्लाइंट्स के सिस्टम्स में इंटीग्रेशन प्रोसेस काफी क्विक हो जाता है। कंपनी टेक, बैंकिंग, हेल्थ और लाइफ साइंसेज जैसे सेक्टर्स में कई हाई प्रोफाइल और इंप्रेसिव क्लाइंट्स को कैटर करती है। कंपनी ने मेजर आईटी जायंट्स जैसे कि AWS, IBM, Salesforce, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ पार्टनर किया हुआ है। कंपनी मेनली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर, हाईटेक एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। सेकेंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। थर्ड हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज। कंपनी अपनी इंडस्ट्री लीडिंग AI कैपेबिलिटीज को लेवरेज करके अपने क्लाइंट्स को हाईली कस्टमाइजेबल और पावरफुल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मोरोवर उनका कॉन्वर्सेशनल AI प्लेटफॉर्म चैटबॉट्स के जरिए कस्टमर एंगेजमेंट एनहांस करने में भी मदद करता है। ये चैटबॉट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग टेक्निक्स को डिप्लॉय करके मल्टीपल लैंग्वेजेस और चैनल्स के अक्रॉस रियल टाइम पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। Persistent Systems ने पिछले कई सालों में कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट्स और सेल्स को ग्रो किया है। पिछले 10 साल में कंपनी ने 20% CAGR से अपनी सेल्स इंक्रीज की हैं, वहीं प्रॉफिट 17% CAGR से ग्रो हुए हैं। और शॉर्ट टर्म में तो Persistent की ग्रोथ और भी ज्यादा स्टीप है, विद 3-year सेल्स CAGR ऑफ ओवर 33% एंड प्रॉफिट CAGR ऑफ 41%। इसके अलावा कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपना क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस किया है। ये शायद इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि उन्होंने अपने लार्ज क्लाइंट काउंट को लगातार इंक्रीज किया है। लार्ज क्लाइंट यानी कि वो क्लाइंट जिसका Persistent Systems के एनुअल रेवेन्यूज में $5 million से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। अब जितने ज्यादा लार्ज क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, कंपनी का रेवेन्यू रिलेटिवली और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके कुछ टॉप क्लाइंट्स पे रिलायंस कम होगी बट रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन भी घटेगा। हालांकि Persistent Systems के लिए भी किसी और IT कंपनी की ही तरह एक की रिस्क है हाई जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी के लगभग 78% ऑफ रेवेन्यूज नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका से आते हैं। अगर वहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन और भी एक्सेलरेट होता है तो वो Persistent के बिजनेस पर एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चलिए Persistent Systems के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उसके लिस्टेड पीयर्स एम्फेसिस और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो Persistent Systems एम्फेसिस और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अगेंस्ट प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। ROE के टर्म्स में तीनों ही कंपनीज एक दूसरे को क्लोज टक्कर दे रही हैं। Persistent का ROE 25.32 है, वहीं एम्फेसिस का ROE 22.02 और LTTS का ROE 25.67 है। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की बात करें तो Persistent ने 1 year और 5 year पीरियड दोनों में ही अपने पीयर्स को बीट किया है। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पिछले एक डेकेड में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कई एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स यानी कि ADAS और ऑटोनॉमस ड्राइविंग सॉल्यूशंस यानी कि ADS। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम सेंसर्स और कैमरास का यूज करके कार के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जरूरी एक्शंस या तो ऑटोमेट करते हैं या फिर ड्राइवर को रेलेवेंट एक्शन लेने के इंस्ट्रक्शंस रिले करते हैं। और जब ये एक्शन बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के होता है तो
तो उन्हें ऑटोनोमस ड्राइविंग सॉल्यूशंस कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई रैपिड प्रोग्रेस ने इन एडवांसमेंट्स में एक की रोल प्ले किया है। इनफैक्ट ऑटोनोमस व्हीकल को हम AI इन एक्शन भी कह सकते हैं। KPIT एग्जैक्टली यही सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को ऑफर करती है। ऑटोनॉमस ड्राइविंग एंड ADAS से लेके व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, ऑटो सार, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन और डिजिटल कनेक्टेड सॉल्यूशंस तक KPIT ऑटोमोबाइल OEMs को कई डिजिटल और AI बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। लास्ट 6 मंथ्स में KPIT का शेयर प्राइस 54.5% बढ़ चुका है। KPIT अपने कस्टमर्स को नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज की इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट करने में इनेबल करती है और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस में स्पेशलाइजेशन रखती है। KPIT के यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड, ब्राजील और इंडिया में डेवलपमेंट सेंटर्स मौजूद हैं। KPIT एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंपनी है जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनके बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यही रीजन है कि उन्होंने ऑटो OEM जायंट्स के हब जर्मनी में अपनी सब्सिडरी KPIT GmbH को स्ट्रेटेजिकली सेटअप किया है ताकि वो वहां से फ्यूचरिस्टिक मोबिलिटी स्पेस में बेस्ट इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज को ड्राइव कर सकें। KPIT की नीश ऑफरिंग्स और टॉप ग्लोबल ऑटोमोटिव OEMs के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ने उनकी हेल्दी ऑपरेशनल प्रोफाइल को बिल्ड करने में बड़ा ही की रोल प्ले किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, KPIT ने 11 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स से स्टेडी रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया है। चैलेंजेस की बात करूं तो टेक मोबिलिटी और स्पेसिफिक क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट होने के कारण कंपनी रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन के रिस्क से एक्सपोज्ड है। फाइनेंशियल ईयर 23 में KPIT ने अपना 82.5% रेवेन्यू अपने टॉप 21 क्लाइंट से ही जनरेट किया है। ऑटो सेगमेंट में स्लो डाउन या KPIT के क्लाइंट्स द्वारा टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग में डिक्लाइन आने से कंपनी के रेवेन्यूज इंपैक्ट हो सकते हैं। साथ ही Q4 और फाइनेंशियल ईयर 23 में KPIT के वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से उनकी नेट कैश Q3 और फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में कम हुई है और ये KPIT जैसे हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करने वाले स्टॉक्स के लिए रिस्की हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन उनके कैश फ्लो से लिंक्ड होती है। जब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है तो बिजनेस में फ्री कैश फ्लो कम होता है और जब फ्री कैश फ्लो कम होता है तो मार्केट उसे नेगेटिवली लेता है, स्पेशली इन केस ऑफ हाई ग्रोथ एंड प्रीमियम वैल्यूएशन स्टॉक्स। वर्किंग कैपिटल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं अकाउंट्स पेबल्स, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज, और ये सभी कंबाइंड एक बिजनेस के कैश फ्लोज को ड्राइव करते हैं। चलिए अब KPIT और टाटा एलेक्सी के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करते हैं। वैसे तो दोनों ही कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही हैं, मगर रिलेटिव टर्म्स में KPIT टाटा एलेक्सी के अगेंस्ट प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। ROE के टर्म्स में टाटा एलेक्सी KPIT को काफी अच्छे मार्जिन से बीट कर रही है। एक तरफ जहां टाटा एलेक्सी का ROE 41.07 है, वहीं दूसरी तरफ KPIT का ROE 25.87 है। चलिए अब बात करते हैं आज के फोर्थ AI स्टॉक की, जिसका नाम है Zensar Technologies Limited। Zensar Technologies RPG Enterprises Group का एक हिस्सा है। Zensar के पास आज 11,500 employees की strong workforce है, जो 30+ global locations में spread हैं, including Milpitas, Seattle, Princeton, Cape Town, London and Singapore. लास्ट 6 मंथ्स में Zensar Technologies का शेयर प्राइस 76.66% बढ़ चुका है। Zensar ने 2019 में ही AI पे बेट लगा दी थी। कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी AI बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। Zensar AI के बेसिस पे FNOL यानी कि फर्स्ट नोटिस ऑफ लॉस और सेल्फ सर्विस ऐप देती है। Zensar ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इस ऐप के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटीज इंटीग्रेट की हैं जिससे कुछ ही मिनट्स में रिस्क असेस और सीमलेस क्लेम रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। इससे ओवरऑल क्लेम साइकिल टर्नअराउंड टाइम काफी कम हो जाता है। Zensar एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, डिजिटल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज और AI एंड मशीन लर्निंग जैसी ऑफरिंग शामिल हैं जिसके अंदर। Zensar हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज BFSI यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और रिटेल एंड कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर को कैटर करती है। फाइनेंशियल ईयर 23 में हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने कंबाइंड कंपनी के रेवेन्यूज में 39.2% कॉन्ट्रीब्यूट किया था। बैंकिंग ने 18.2%, इंश्योरेंस ने 16.5%, कंज्यूमर सर्विसेज सेगमेंट ने 17.8% और
इमर्जिंग सर्विसेज ने 8.1%। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है उनकी ग्रोइंग ऑर्डर बुक। क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू 174.9 मिलियन थी, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 34% से ग्रो हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी ने क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में कुछ सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स बैक किए हैं। चैलेंजेस और रिस्क की बात करें तो ऑफकोर्स जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन तो है ही, विद ओवर 70% रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम द US। इसके अलावा कंपनी अभी तक अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज में नहीं लेके जा पाई है। पिछले कई सालों से उनके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स सिंगल डिजिट्स में ही रहे हैं। जेंसार के फाइनेंशियल्स हम अगली कंपनी के साथ ही डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आज की फिफ्थ और आखिरी कंपनी की तरफ, जिसका नाम है साइंट लिमिटेड। साइंट लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक कंपनी है जो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क्स एंड ऑपरेशंस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साइंट के बिजनेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस यानी कि A&D, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सेमीकंडक्टर्स जैसे सेक्टर्स में अपनी नीश प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लास्ट 6 मंथ्स में साइंट का शेयर प्राइस 78.68% बढ़ चुका है। AI के एप्लीकेशंस आज के दिन वहां वहां हो रहे हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते थे। जरा सोचिए, रेगुलेटरी बॉडीज और कंपनीज को कितने सारे लोगों के या फिर दूसरी कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने रहते हैं, और साइंट अपने SciArc सॉल्यूशन की मदद से रेगुलेटरी ऑपरेशंस को AI टेक्नोलॉजी और रोबस्ट एल्गोरिथम्स के यूज करके सिंपल और फास्ट बनाती है। SciArc की मदद से कंपनी अपने क्लाइंट्स को काफी चीजें ऑटोमेट करके देती है, जिससे कि उनके 40% कॉस्ट रिड्यूस हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके एग्जीक्यूशन टाइम में भी 40% सेविंग्स होती हैं। मतलब कॉस्ट रिड्यूस, एफिशिएंसी इंक्रीज, टाइम सेव्ड। इसके अलावा कंपनी का SciFast एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप सिमुलेटर्स और एम्बेडेड डिवाइस पर टेस्टिंग करने में मदद करता है। इसमें एक कॉग्निटिव इंजन है जो चेंजेस को अपने आप एनालाइज करता है और उसके बेसिस पर खुद से ही टेस्ट केसेस सेलेक्ट करने में मदद करता है और टेस्ट प्लान्स बनाता है। इसके मदद से भी कंपनी के क्लाइंट्स का एग्जीक्यूशन टाइम और कॉस्ट सेव और रिड्यूस हो जाता है। इनफैक्ट साइंट लिमिटेड ने इस रिसेंटली IPO लाने वाली कंपनी साइंट DLM को अक्वायर कर लिया था, जिसके बाद वो अपने सिस्टम इंटीग्रेशन एंड प्रोटोटाइपिंग कैपेबिलिटीज को इंजीनियरिंग सर्विसेज तक एक्सटेंड कर पाएगी और अपने क्लाइंट्स को डिजाइन से लेके प्रोडक्शन तक एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे पाएगी। इन्हीं रीजंस की वजह से साइंट लिमिटेड रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्प, बॉम्बार्डियर इंक, बोइंग को, ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशंस PLC और टेली एटलस जैसी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन कर पाने में मदद कर रही है। और ये हमें कंपनी की ऑर्डर बुक में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जहां उनके 90% ऑर्डर्स एक्चुअली उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स द्वारा प्लेस्ड रिपीटेड ऑर्डर्स हैं। कंपनी के लिए एक की मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनका रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन, और ये ना सिर्फ ज्योग्राफी के टर्म्स में है लेकिन उनकी एंड यूजर इंडस्ट्री के टर्म्स में भी है। ज्योग्राफिकली कंपनी के 49.2% रेवेन्यूज अमेरिका से आते हैं, और इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के 29.9% रेवेन्यूज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से और 28.7% कनेक्टिविटी बिजनेसेस से आए हैं। अब इन इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स में किसी भी तरह का डायनामिक चेंज या डिस्ट्रप्शन साइंट के रेवेन्यूज को अफेक्ट कर सकता है। चलिए अब साइंट के और जेंसार के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स को देखते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो साइंट जेंसार के अगेंस्ट प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। हालांकि ROE के टर्म्स में साइंट जेंसार से कहीं बेटर परफॉर्म कर रही है। एक तरफ जहां साइंट का ROE 16.63 है, वहीं दूसरी तरफ जेंसार का ROE 11.57 है। स्टॉक मार्केट रिटर्न्स देखें तो साइंट लिमिटेड ने जेंसार टेक्नोलॉजीज को 1 ईयर और 5 ईयर दोनों ही टाइम पीरियड्स में आउट परफॉर्म किया है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्या आपने इनमें से किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, कमेंट्स में बताइए। या फिर आपके अकॉर्डिंग और कौन सी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो AI के स्पेस में बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं, अगर आप उन पे एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो उनका नाम हमें कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। मैं आपको याद दिला दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और किसी भी तरह की कोई बायस या रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रोके चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.